पेशावर से खबर के मुताबिक हम अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद अय्यूब खान वज़ीर-ए-आला बलदियाल से मुतालबा करते हैं कि महंगाई के इस दौर में WSSP कंपनी मुलाजमीन के बकाया जात 184 मिलियन का फाइल फिनांस डिपार्टमेंट में पड़ा है, इसे तो फौरी तौर पर मंजूर करने के अहकाम जारी किए जाएँ। इजाफी ग्रांट 20 करोड़ रुपए WSSP कंपनी को मुलाजमीन के बकाया जात के लिए जारी करें। मुलाजमीन को बकाया जात की अदायगी रमज़ान में हो सके और वह इस महंगाई में अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकें। मुलाजमीन का दरीना मसला हल हो, यह मुतालबा नए हुकूमत से इजलास में मुतफक्का तौर पर किया गया। आलमी म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन WSSP रजिस्टर CBA पेशावर के चेयरमैन रियाज खान और जनरल सेक्रेटरी आबिद सुहेल ने यूनियन के ऑफिस में खत्मुल कुरान का अहतमाम किया। खत्मुल कुरान के बाद यूनियन का बाकायदा इजलास शुरू हुआ, जिसमें आल गवर्नमेंट एम्प्लॉज कोऑर्डिनेशन काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई चेयरमैन, पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई चेयरमैन, आलमी म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन WSSP रजिस्टर CBA पेशावर के चेयरमैन रियाज खान, जनरल सेक्रेटरी आबिद सुहेल, शहीद साकी के सूबाई चेयरमैन शकील हाशिम खेल और फिनांस सेक्रेटरी अनवर गुल, लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स फेडरेशन पेशावर डोईया के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुख्तियार मामा, आल म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन WSSP रजिस्टर CBA पेशावर के अकबर खान, अव्वल सईद, शहजाद कुल नसीर खान, सदीकुल्ला मशवानी और वर्कर्स यूनियन ने बड़ी तादाद में शिरकत की।